नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विवेक। कोरोना वायरस महामारी के बीच पीड़ित लोगों की मदद कर रहे यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी से आज दिल्ली पुलिस की टीम ने पूछताछ की। दरअसल हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल कर कोरोना वायरस से पीड़ित लोगों की मदद कर रहे अलग अलग राजनीतिक दलों के नेताओं पर सवाल उठाए गए। याचिका में कहा गया था कि ये लोग अवैध तरीके से कोरोना वायरस की दवाइयां और बाकी मेडिकल उपकरणों का वितरण कर रहे हैं। याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने इस मामले में दिल्ली पुलिस को जांच करने के आदेश दिए थे। दरअसल इसी सिलसिले में आज दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम श्रीनिवास बीवी से पूछताछ करने पहुंची। पूछताछ के बाद श्रीनिवास ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि दिल्ली पुलिस इस बारे में जानना चाहती थी कि हम लोगों की मदद कैसे कर रहे हैं। हमने उनके सभी सवालों का जवाब दिया। हम लोगों की मदद करने का जो काम कर रहे हैं उसे नहीं रोकेंगे। हम ऐसी किसी कार्रवाई से डरने वाले नहीं हैं क्योंकि हमने कुछ भी गलत नहीं किया, और अगर हमारी एक छोटी सी कोशिश से किसी की जान बचती है तो ऐसी किसी याचिका से डर कर हम नहीं हटेंगे। बता दें कि दिल्ली पुलिस ने श्रीनिवास से पूछताछ की तो कांग्रेस के कई बड़े नेताओं ने इस पर रिएक्ट किया। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर इशारों में सरकार पर तंज कसा। नमस्कार साथियों, आज इस देश के हर व्यक्ति को निर्णय करना पड़ेगा कि क्या मुसीबत में ऑक्सीजन पहुंचाना अपराध है, क्या रेमडेसिविर का इंजेक्शन लेने में मरते हुए व्यक्ति की मदद करना अपराध है, क्या दवाई पहुंचाना मरीज तक अब इस देश में अपराध है, क्या बेड और वेंटिलेटर का इंतजाम करना अपराध है, क्या अस्पतालों में जाकर मरीज के जो साथ वाले लोग हैं उनको एम्बुलेंस ड्राइवरों को खाना पहुंचाना अपराध है। लगता है नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हाँ ये अपराध है, इसीलिए आज भारतीय राष्ट्रीय युवा कांग्रेस के कार्यालय में बी श्रीनिवास जी और युवा कांग्रेस की पूछताछ के लिए दिल्ली पुलिस को अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी ने भेजा है। क्या इससे भी घृणित और गिरा हुआ कार्य कोई हो सकता है? क्या मदद जो मोदी सरकार नहीं कर रही और कांग्रेस और युवा कांग्रेस कर रही है वो अब पाप है? शर्म करिए मोदी जी, शर्म करिए। आपकी सरकार को चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। युवा कांग्रेस और कांग्रेस सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के मार्गदर्शन में इसी प्रकार सेवा करती रहेगी। हमें हथकड़ियां लगाइए, हमें जेल में डालिए, पर ऑक्सीजन दिलवाने, रेमडेसिविर का इंजेक्शन दिलवाने, वेंटिलेटर और बेड दिलवाने, भोजन दिलवाने और कोरोना मरीजों की मदद करने से युवा कांग्रेस और कांग्रेस के साथियों को आप कभी नहीं रोक पाएंगे। ये हमारा संकल्प भी है और हमारा दृढ़ निश्चय भी। धन्यवाद, जय हिंद। गौरतलब है कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने इस मामले पर ट्वीट कर श्रीनिवास बीवी का समर्थन किया है। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा, बचाने वाला हमेशा मारने वाले से बड़ा होता है। आपको बता दें कि इस मामले में उस वक्त भी विवाद हुआ था जब कुछ विदेशी दूतावासों ने ट्वीट कर श्रीनिवास से ऑक्सीजन सिलेंडर के तौर पर मदद मांगी थी। ट्वीट के बाद कांग्रेस ने न्यूजीलैंड और फिलीपींस के दूतावासों में कोरोना वायरस के गंभीर मरीजों के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाए थे। इसके बाद इस मामले पर विदेश मंत्री एस जयशंकर और कांग्रेस नेता जयराम रमेश के बीच ट्विटर पर बहस भी हुई थी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।